अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सब कैरियर से होंगे। तो यह मेरा यूट्यूब चैनल @CareerTricks। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसी ट्रिक जिससे आप अपनी व्हाट्सएप की सेटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, यानी कि उसे थोड़ी सी हैकर टाइप बना सकते हैं व्हाट्सएप को, या स्टेटस हैं आपके व्हाट्सएप के वो इंस्टाग्राम पे जैसे ऊपर शो होते हैं वैसे आप कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप वो सेटिंग में जाके कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको आपके पास GB व्हाट्सएप या प्लस व्हाट्सएप होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको सब सारी सेटिंग व्हाट्सएप की बताता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमें सेटिंग में जाके प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को ओपन करना है। तो यहाँ से आप अपनी थोड़ी सी व्हाट्सएप की सेटिंग कर सकते हैं। फ्रीज लास्ट सीन है यहाँ पे, अब आप अपना लास्ट सीन फ्रीज कर सकते हैं। या अगर आप ये लास्ट सीन अपना फ्रीज कर देंगे तो कोई भी आपका लास्ट सीन, मतलब आप व्हाट्सएप चलाएंगे तो उसको लास्ट सीन जब आपने फ्रीज किया होगा वही मालूम होगा। तो ये कॉल सेटिंग में है जो आपको कौन कॉल कर सकता है, माई कॉन्टैक्ट्स पे कर दें तो जो आपके पास नंबर सेव है सिर्फ वही आपको कॉल कर सकते हैं। हाइड व्यू स्टेटस ऑन कर देंगे तो आप किसी का भी स्टेटस देखेंगे उसको पता नहीं चलेगा कि आपने उनका स्टेटस देखा है। एंटी डिलीट मैसेजेस हैं, शो वीडियो टिक्स आफ्टर रिप्लाई हैं, तो अगर आप मैसेज देख भी लेंगे तो उनको पता नहीं लगेगा कि आपने उनके मैसेज देख लिए हैं। तो जैसे ही आप अगर उनका रिप्लाई करेंगे तो ही वो उनको पता लगेगा कि आपने उनके मैसेज देखे हैं। और यहाँ पे और भी आप सेटिंग कर सकते हैं, हाइड सेटिंग सेकंड टिक। तो दूसरा टिक उनको आप ऑनलाइन शो नहीं होंगे, तो लेकिन ये कहते हैं कि अपने रिस्क पे ऑनलाइन करें, ये बैन हो सकता है तो हम इसे ऑन नहीं करते। तो इसमें आपको बहुत से थीम मिल जाएंगे, कलर्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप का स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई भी फॉन्ट आप कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप का जो आइकन है वो आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे यहाँ से आप रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जो आइकन आपको अच्छा लगता है आप वो रख सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे हम हाइड मीडिया फ्रॉम गैलरी कर सकते हैं, जो फोटोज़ या वीडियोज़ है अगर हम इनको ऑन कर देंगे तो ये गैलरी में शो नहीं होगी। इसके अलावा हम व्हाट्सएप की जो ऐप लैंग्वेज है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी सेटिंग्स आपको देखने को वो मिल जाएंगी, अगर आपका दिल करता है तो आप इसे ऑन कर लें, अगर नहीं करता है। इनेबल ऑलवेज ऑनलाइन है, आप हर टाइम ऑनलाइन शो करवाना चाहते हैं तो इसे ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हेडर्स है, आप अगर चाहते हैं कि ये ऊपर आपका नेम शो हो, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपके इंस्टाग्राम के तरह ऊपर शो होंगी, लेकिन आपको पहले ये ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, इनेबल स्टे इंस्टाग्राम स्टोरी। तो यहाँ पे सेकंड वाला रख लें तो आपकी जो स्टेटस है वो इंस्टाग्राम की तरह आप ऊपर शो हो जाएंगे। तो अगर ये जो आप चाहते हैं कि जो आपने लिखा हुआ है अपने स्टेटस पे वो आपके नाम के नीचे शो हो तो इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। अगर आपका दिल करता है तो आप ऑन कर सकते हैं, अगर नहीं करता तो आप इसको बंद रहने दें। तो इसके अलावा व्हाट्सएप की और सेटिंग्स हैं, कन्फर्म बिफोर सेंडिंग अ स्टिकर, स्टिकर से सेंड करने से पहले वो कन्फर्म करना आपसे, तो इसे ऑन कर सकते हैं। तो इसके अलावा फ्लोटिंग एक्शन बटन है, आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो व्यू स्टोरी टोस्ट, अगर आप किसी के स्टेटस देखेंगे या कोई आपका स्टेटस देखेगा तो आपको मैसेज के साथ इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके अलावा आप स्टेटस पे आ जाएं तो यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, आप अगर चेक कर सकते हैं, अगर आपको इसमें से कोई ऑप्शन ऑन करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ से आप अपना टिक स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कोई भी आपको जो अच्छा लगता है। तो मैं आपको ये रख के चेक करवा देता हूँ, तो बबल स्टाइल है, ये आप चेक कर चेंज कर सकते हैं। तो टिक स्टाइल आपको मैं यहाँ से कोई रख के, आपको जो उनसा अच्छा लगता है वो आप रख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे रख के आपको चेक करवा देता हूँ कि कैसे हम चेक कर सकते हैं इसे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके हर मैसेज के साथ आपकी पिक सेंड हो तो चैट माय पिक, तो आप अपनी इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी मैसेज सेंड करेंगे हर मैसेज के साथ आपकी फ़ोटो जाएगी। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप्स में भी आपकी पिक साथ जाए तो आप उस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। तो मैं बैक आता हूँ, तो बैक आके आपको टिक स्टाइल वो चेक करवा देता हूँ जो हमने रखा था। तो मैं अपने दूसरे नंबर पर मैसेज करता हूँ, तो जैसे ही मैंने मैसेज किया तो ये रेड हो गया ऑनलाइन है, तो जैसे ही मैं मार्क एज रीड करूँगा ये ब्लू हो जाएगा कि चेक कर लिया है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी बहुत सी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।